राधे राधे। उत्पन्ना एकादशी कार्तिक पूर्णिमा के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी है। यह देव उत्थान एकादशी के बाद आने वाली एकादशी है। उत्पन्ना एकादशी हिंदू कैलेंडर में मार्गशीर्ष के महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु ने मुरासुर नामक राक्षस पर विजय प्राप्त की है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन एकादशी माता का भी जन्म हुआ था। भारत में उत्तरी राज्यों में यह एकादशी मार्गशीर्ष महीने में मनाई जाती है। इस साल उत्पन्ना एकादशी का यह व्रत शुक्रवार 8 दिसंबर 2023 के दिन रखा जाएगा। उत्पन्ना एकादशी का व्रत एकादशी सूर्य उदय से शुरू होकर द्वादशी सूर्य उदय तक होता है। उत्पन्ना एकादशी का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। एकादशी तिथि प्रारंभ है 8 दिसंबर 2023 सुबह 5:06 पर। एकादशी तिथि का समापन 9 दिसंबर 2023 सुबह 6:31 है। व्रत का पारण 9 दिसंबर 2023 दोपहर 1:37 से 3:50 तक रहेगा। उत्पन्ना एकादशी का महत्व माना जाता है कि उत्पन्ना एकादशी माता एकादशी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन माँ एकादशी की पूजा करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही जो कोई भी इस दिन देवी एकादशी की पूजा करता है उसे अपने पिछले पापों से छुटकारा मिल जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करने में मदद करता है। मृत व्यक्ति को वैकुंठ या भगवान विष्णु का दर्शन प्राप्त होता है। मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी की महिमा 1000 गायों के दान से अधिक है। मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवता प्रसन्न होते हैं। भक्त इस दिन देवी एकादशी की पूजा करते समय विशिष्ट विष्णु मंत्र का जाप करते हैं, उन्हें बहुत ही सुख फल प्राप्त होता है। उत्पन्ना एकादशी का महत्व हिंदू तीर्थ स्थलों में पवित्र स्नान करने या शुभ दिनों पर दान करने के समान है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति अपने पापों से छुटकारा पाता है और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब